दोस्तों इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से आप एक्टिव सेल को हाईलाइट करा सकते हैं डायनेमिकली। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के रखा है, पर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि सीट प्रोटेक्ट होने पर किस तरह से एक्टिव सेल हाईलाइट कर सकते हैं, सभी शीट्स में सभी वर्कशीट्स में हाईलाइट फीचर किस तरह से ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगर मैं कोई नया सेल सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी सेल एक्टिवेट करता हूँ, तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, केवल जो बॉर्डर है उसको चेंज कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कराना है, हाईलाइट कराना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने ये जो हाईलाइट का कोड है वो पहले से लिख के रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट का कोड लिख के रखा है, इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मेरा टेस्ट है, शीट है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस का, उसके बाद मैं व्यू कोड पे जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो टेस्ट शीट का देखिए ये जो कोड एरिया है हमारे पास आ चुका है, वीवीए आईडी में कोड एरिया खुल चुका है। आप अल्ट एफ प्लस 11 करके यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं टेस्ट शीट में, तो ये आपका कोड एरिया खुल जाएगा। आपको क्या करना है, जो कॉपी किया था कोड उसको आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेस्ट कर दिया, अभी हमारा ये देखिए हाईलाइट फीचर एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर देखिए हमारा ये हाईलाइट काम कर रहा है, पर इसका एक डिस एडवांटेज है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखिए ग्रे कलर का लाइन है, यहाँ पर देखिए ग्रे कलर का सेल कलर है, और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का सेल कलर है। यहाँ पर देखिए ब्लू पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फिर से दूसरे सेल पे आता हूँ, देखिए ब्लू कलर जो हो गया इरेज हो गया, यहाँ पर देखिए ग्रे पे हो गया तो ग्रे कलर भी इरेज हो गया है। तो देखिए जो प्रीवियस सेल कलर है, पास्ट सेल कलर है, उसको इरेज कर दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीवीए कोड में मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जिससे आपका जो पास्ट सेल कलर है या फिर प्रीवियस सेल कलर है वो मेंटेन रहता है, इरेज नहीं होता। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं व्यू कोड में जाता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पर मैं कोड देखिए इमीडिएट विंडो में लिख रहा हूँ, कंट्रोल जी करके मैंने इमीडिएट विंडो लाया। यहाँ पर देखिए मैं एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, तो देखिए हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हाईलाइट नहीं काम कर रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है सिलेक्शन चेंज इवेंट में कोड लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम नया सेल सिलेक्ट करते हैं तो ये सभी कोड लाइन अपने आप ही रन होता है। ठीक है, तो हमने ये जो इवेंट है इसको डिसेबल कर दिया है फॉल्स करके। ठीक है, तो अगर आपका कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ये हाईलाइट फीचर नहीं काम कर रहा, तो आपको क्या करना है, ये कोड लिखना है एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स इज इक्वल टू ट्रू करना है, अभी ट्रू करना है। उसके बाद आपको कर्सर जहाँ पर सुर खत्म हुआ है उसके बाद वहाँ पर एंटर की प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो इवेंट्स जो डिसेबल हो गया था एक्स वाई जेड रीजन से, वो आपका इनेबल हो जाएगा। एक को ये बार बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना है। इनेबल इवेंट्स मैंने ट्रू कर दिया है, यहाँ पर देखिए उसके बाद ये हमारा हाईलाइट काम करने लगेगा। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके पर बढ़ते हैं, जिसमें हम पास्ट सेल कलर भी मेंटेन करेंगे सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट टू है हमारे पास, यहाँ पर देखिए सेम ही टेबल है। यहाँ पर क्या करना है आपको, मैंने ये दूसरा कोड भी तैयार करके रखा है, इन सभी कोड का सोर्स लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, आप क्लिक करके सोर्स कोड पे जा सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं पूरा का पूरा कंट्रोल ए करता हूँ, सी करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं वर्कबुक पे आता हूँ, यहाँ पर टेस्ट टू पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं उसका व्यू कोड पे जाता हूँ। तो देखिए टेस्ट टू का ये जो है पूरा कोड एरिया आ चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ इमीडिएट विंडो को, उसके बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद मैं वर्कबुक पे आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए हाईलाइट काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी ये काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रे पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ग्रे कलर मेंटेन रह रहा है। यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर जो वाला सेल है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी मेंटेन रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सॉल्व हो गया, जो हमारा पास्ट सेल कलर इरेज हो जा रहा था उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पर यहाँ पर देखिए अगर मैं दूसरे शीट पर आता हूँ, किसी और दूसरे शीट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारा ये हाईलाइट फीचर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस फीचर को सभी वर्कशीट में कैसे ला सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने ये कोड यहाँ पर लिखा था, व्यू कोड यहाँ पर लिखा था, इस शीट में लिखा था तो केवल इस शीट के लिए ही काम करेगा, टेस्ट टू शीट में लिखा था तो टेस्ट टू शीट के लिए काम करना है काम करेगा। आपको क्या करना है, ये पूरे कोड को कंट्रोल एक्स कर देना है, कट करना है, दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक करना है। दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक किया, उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है, कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पर देखिए हमारा जो ये है वर्कशीट सिलेक्शन चेंज,
यहाँ पर देखिए वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, इसकी जगह आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्कबुक में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर देखिए वर्कबुक पे, यहाँ पर देखिए वर्कबुक पे ड्रॉप डाउन में वर्कबुक सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस ड्रॉप डाउन में राइट ड्रॉप डाउन से आप शीट सिलेक्शन चेंज पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, शीट सिलेक्शन चेंज पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए हमारा इसका ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपका ये कोड ब्लॉक आ गया है, इसके अंदर आपको कोड लिखना है। आपको कौन सा कोड लिखना है, ये जो कोड लिखा था ये एप्लीकेशन, यहाँ पर इसको कट कर देना है, इसको हमें ज़रूरत नहीं है अभी, इसको कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको प्लेस कर देना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो हाईलाइट जो फीचर है सभी वर्कशीट में काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वर्कबुक सीट सिलेक्शन चेंज, मतलब क्या होता है, इस वर्कबुक में कोई भी सीट हो वहाँ पर अगर सिलेक्शन चेंज होता है तो ये कोड रन होएगा। ठीक है, ये कोड रन होएगा हाईलाइट एक्टिव सेल, हाईलाइट एक्टिव सेल कौन सा कोड है, ये पूरा कोड सेल है, अपने आप ही रन होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरे शीट पर आ गया हूँ, यहाँ पर देखिए ये भी काम कर रहा है। अगर नया शीट क्रिएट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी काम कर रहा है और दूसरे शीट पर, किसी भी शीट पर काम करेगा, सेम वर्कबुक में किसी भी शीट पर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी कभी दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे कि मैंने कोई सीट प्रोटेक्ट किया है, कोई सीट प्रोटेक्ट किया है तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने, यहाँ पर देखिए रिव्यू में जाता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोटेक्शन डाल देता हूँ, सीट प्रोटेक्शन डाल देता हूँ, 123 पासवर्ड डाल देता हूँ, 123 पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर देखिए एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं डीबग करता हूँ तो देखिए क्या रन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई हो पा रहा है क्योंकि ये सीट जो है प्रोटेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, कोड में थोड़ा सा ही चेंज करना है। यहाँ पे देखिए ये कोड रन होता है, जैसे ये कोड रन होता है इसके पहले हमें शीट अनप्रोटेक्ट का कोड डाल देना है। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा शीट है एक्टिव शीट डॉट अनप्रोटेक्ट, उसके बाद यही जो करना है उसके बाद प्रोटेक्ट करना है, ये कॉल करने के बाद हमें फिर से प्रोटेक्ट कर देना है। ठीक है, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं यहाँ पर एक्सेल शीट पे आता हूँ तो अभी हमारा प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखिए शीट जो है प्रोटेक्टेड ही है, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड ही है। तो कुछ इस तरह से देखा कि आपने, आप किस तरह से किस सभी वर्कशीट में एक्टिव सेल्स को डायनेमिकली हाईलाइट करा सकते हैं, उसके बाद अनप्रोटेक्ट शीट रहता तो उसको किस तरह से हाईलाइट करा सकते हैं, सभी वर्कशीट में किस तरह से हाईलाइट करा सकते हैं, और विदाउट पार्शियल कलर को इरेज किए किस तरह से हाईलाइट करा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक्सेल से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, गूगल पर जाकर learnyouandme.com टाइप करें, यहाँ पर देखिए मेरा वेबसाइट आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपना क्वेरी सर्च कर सकते हैं और एडिशनली आप नोटिफिकेशन अलाउ पे क्लिक कर आने वाले नए पोस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।